हाँ चलो शुरू करते हैं. सैलरीज. सैलरीज जो है दिस इज़ द वेरी फर्स्ट हेड ऑफ इनकम. जब भी एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को उसके काम के लिए जो भी रेम्यूनरेशन देता है दैट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज. ये सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 में डील किया जाता है. ठीक है, एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले तो सैलरी को जानने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इन दिस कंटेक्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एम्प्लॉयर वो होता है जो एक एम्प्लॉई को काम देता है, और एम्प्लॉय वो होता है जो अपने एम्प्लॉयर का दिया हुआ काम को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, सो एक मालिक और नौकर के रिलेशन को ही हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन बोलते हैं. एंड एवरी टाइम वेन एवर एन एम्प्लॉई इज़ परफॉर्मिंग द टास्क विच इज़ डेलीगेटेड बाई दी एम्प्लॉयर, दी एम्प्लॉयर रेम्यूनरेट्स दैट एम्प्लॉय विद दी अमाउंट विथ विथ अ सैलरी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं. एन इनकम कैन बी टैक्स्ड अंडर दी हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिटवीन द पेयर एंड पेई. तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ये रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेयर एंड पेई. ठीक है, मतलब जो पे कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए. देन ओनली वी कैन कॉल दी अमाउंट विच इज़ कलेक्टेड और रिसीव्ड बाई दी एम्प्लॉय एज सैलरी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है. फॉर एग्जाम्पल अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर फॉर रेम्यूनरेशन रिसीव बाई हिम इज़ नॉट अ सैलरी. मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है. सो एनी एनी काइंड ऑफ फीस दैट अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज़ रिसीविंग, फॉर एग्जाम्पल अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जिसको हम लोग एम पीज़ कहते हैं, एन एम पी रिसीव्स अटेंडेंस फीज फॉर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जाने के लिए वहाँ पे जो भी मीटिंग होता है उसके लिए एम पीज़ को फीस दिया जाता है, वो गवर्नमेंट ही देता है. लेकिन इट इज़ अ चॉइस विच रिमेन्स विद द मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट टू अटेंड द मीटिंग और नॉट टू अटेंड द मीटिंग. सो देर इज़ नो ऑर्डर और देर इज़ नो कमांड विच इज़ गिवन बाई द गवर्नमेंट टू दीज मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स. सो द रेम्यूनरेशन विच इज़ रिसीव बाई दीज एम पीज कैन नॉट बी टर्म्ड एज सैलरी एंड देयर फोर दे कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. फर्दर इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट एनी सैलरी बोनस कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाई एन एम्प्लॉय और एस एस सी फ्रॉम अ फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर शैल नॉट बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरीज एज देर इज़ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. क्या हुआ यहाँ पे कि एक कोई पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर होते हैं कुछ कुछ होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स. एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर का मतलब हो गया पार्टनर हु वर्क्स वेरी हार्ड अपार्ट फ्रॉम दी स्लीपिंग पार्टनर्स. ठीक है, वो स्लीपिंग पार्टनर्स के अलावा खुद बहुत ज़्यादा काम करता है, ऑफिस में ज़्यादा टाइम वो बिताता है एंड ऑल दी इम्पॉर्टेंट टास्क आर परफॉर्म बाई दी एक्टिव पार्टनर. सो पार्टनरशिप फॉर्म में सपोज ए बी और सी तीन पार्टनर है जिसमें बी जो है ये एक्टिव है. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इसको सैलरी मिलता है, इसको कमीशन भी मिलता है. ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलता ही है. बाकी पार्टनर्स को खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, बाकी पार्टनर्स को खाली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है जबकि बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा सैलरी और कमीशन भी मिलता है. सो इन रियल सिचुएशन द अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज़ कलेक्टेड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म वेयर ही इज़ अ पार्टनर, तो वो पैसा हम लोग सैलरी में नहीं काउंट कर सकते बिकॉज इट इज़ जस्ट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ एन अमाउंट. एनी मनी विच इज़ कलेक्टेड बाई अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नेम उसको दे दीजिए, सैलरी बोलिए, कमीशन बोलिए,
और एनी अदर नेम वॉट एवर इज कमिंग इन टू द माइंड, उसको हम लोग सैलरी के टर्म में नहीं ले सकते हैं. इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एंड टैक्स्ड अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. वो बिजनेस में ही टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हियर इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है सैलरी जो भी अमाउंट हम लोग रिसीव करते हैं, इसको दो तरह से हम लोग टैक्स कर सकते हैं, ऑन ड्यू बेसिस या फिर रिसीट बेसिस. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसा ड्यू होने के पहले ही रिसीव हो गया, तो फिर तब से रूल बन गया कि इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा ना, उसी बेसिस में हम लोग इसको टैक्स करेंगे. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हमें सपोज़ सैलरी मिलता है, जनवरी का सैलरी मिलता है सपोज़ फरवरी के फर्स्ट वीक में, एंड फरवरी का मिलता है मार्च के फर्स्ट वीक में, और मार्च का सैलरी मिलता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में. इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा सैलरी जिस मंथ में ड्यू हो रहा है, द एम्प्लॉई इज नॉट रिसीविंग द सैलरी ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ बट द कमिंग मंथ. ऑन द अदर हैंड, अगर इस तरह से देखा जाए कि सैलरी, मार्च का सैलरी मार्च के 20 तारीख को मिल गया, अप्रैल का सैलरी अप्रैल के 20 तारीख को मिल गया, तो ये तो एडवांस में मिल गया. या फिर ऐसे कभी कभी होता है कि किसी को फाइनेंशियल नीड है, तो वो दो महीने तीन महीने का सैलरी को एडवांस में अपने फर्म से निकाल लेता है. सो इन दैट केस, व्हेनेवर द एम्प्लॉई इज़ रिसीविंग एनी मनी इन एडवांस, तो फिर वो एडवांस जिस डेट में वो ले रहा है उसी डेट में वी विल कंसिडर इट एज इनकम एंड इट विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. देखो मैं क्यों इसको इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ. हमारा साल शुरू होता है अप्रैल से, ठीक है, और ख़त्म होता है मार्च में. तो ये अप्रैल से मार्च में 12 मंथ्स है, तो ये इट्स कन्फर्म्ड दैट इन दीज 12 मंथ्स एनी एम्प्लॉई विल बी रिसीविंग 12 सैलरीज. बोनस एंड कमीशन को आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर. बोनस एंड कमीशन विल ऑल्सो बी काउंटेड, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैलरी देन ओनली 12 सैलरीज आर रिसीव्ड इन दीज पर्टिकुलर 12 मंथ्स. Now, what if an employee is in need of funds, is in need of money, and he asked his employer to give him some amount as advance, which will be considered as loan, and the employee will repay that amount? या फिर employee अपने employer को request करता है कि आप मेरे salary से वो पैसे काट लीजिएगा. So, whenever an employee is collecting any advance money from the employer, in that case, 12 के जगह वो एडवांस के केस में 12 के जगह वो बन गया 12, तो मिल ही रहा था, उसने और तीन महीने का सैलरी अपने एम्प्लॉयर से मांग लिया, तो इसका मतलब उस साल में 15 सैलरी विल बी टैक्सेबल. एंड दैट इज व्हाट इज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. Salary is chargeable to tax on due basis or receipt basis, whichever is earlier. जो भी अगर due पहले है तो due के हिसाब से taxable होगा, और अगर receipt पहले है तो receipt के हिसाब से amount taxable होगा. Arrears of salary is taxable if paid or allowed to the employee in the previous year. Arrears of salary मतलब salary due तो हुआ था, but the firm or the company or organization did not pay that amount to the employee. So in that case, whatever amount is due as salary will become taxable on in the previous year when the salary is actually received. Jis time pe arrear of salary mila, us time pe hi wo taxable hoga. Now yahan pe niche maine aur ek likha hai, computation of salary in graded system. Ye grading ya graded system ka matlab kya hota hai? Usually this is seen in government organizations, ठीक है, government organization में भी usually see this. क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है कि एक salary structure दिया हुआ है, 12,500-17,000-800-20,000, ये 200 होना है,
ये 210 नहीं होगा, 200 होना है, ठीक है। सो क्या है ये, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। सो यहाँ पे कहा गया है कि एक एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया जिसका सैलरी वॉज डिसाइडेड एज 12,000 रुपीज़, एंड यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है 1/4/2018। इसका मतलब क्या है कि 1/4/2018 में उसने जॉब ज्वाइन किया और इस डेट से उसको सैलरी मिलना शुरू हुआ 12,000 रुपया। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे देखता हूँ, 1/4/2018 में वो ज्वाइन किया, उसको सैलरी मिला 12,000 रुपया। उसके बाद ये जो 500 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये है हर ईयर का इंक्रीमेंट। मतलब जब वो 1/4/2019 में पहुँचेगा तो उसका सैलरी 12,500 बन जाएगा, ठीक है। कब तक ये 500 करके हर साल बढ़ेगा, इसके बाद वाला साल भी 1/4/2020 में भी उसका सैलरी 500 से बढ़ेगा तो ये 13,000 हो जाएगा। और ये बढ़ते रहेगा 500 के रेट में जब तक कि वो 17,000 ना बन जाए। जब ये 17,000 बन गया उसके बाद उसका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा 800 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से। यहाँ पे 800 मेंशन्ड है ना, कब तक, जब तक कि सैलरी 2,200 रुपये ना हो जाए, 20,200 रुपये ना हो जाए। जैसे ही सैलरी 20,200 हो गया, एट दैट पॉइंट यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं हुआ है, सो उसके बाद जो एम्प्लॉई है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ही विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। उसका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, उसका प्रमोशन हो जाएगा। नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको किस तरह से डील किया गया है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया। नाउ डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है, वेजेस, एनी एन्युइटी ऑफ और पेंशन, एनी ग्रेच्युटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिव ऑफ और इन एडिशन टू एनी और एनी सैलरी और वेजेस, एनी एडवांस ऑफ सैलरी। So I told you advance of salary and arrear of salary are all considered as part of salary. कोई भी अगर retirement के बाद भी pension या फिर gratuity मिलता है, that is also taxable under the head salary. ठीक है, now यहाँ पे और भी है, leave salary. Leave salary का मतलब होता है कि हर organization में छुट्टी के लिए छुट्टी मिलता है, ठीक है, and for those leaves the employer does not deduct any amount, any sort of amount from the salary of employee. So what if the employee, instead of taking the leave, he comes to office and works in the factory or works in the office? At that time, the untaken or not taken leaves by the employee, वो employer को बताएगा कि सर मैंने इतने सारे छुट्टी नहीं utilize किए हैं, तो employer is bound to pay the employee the amount of salary जो उस छुट्टी में बनना चाहिए था वो उसको देने के लिए कम एकदम उसे देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द एनुअल एक्रीशन, ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लीव सैलरी इज अनदर एकदम डिफरेंट टॉपिक है, डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू डील विथ लीव सैलरी एंड सॉरी हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट इट। The annual accretion recognized provident fund, recognized provident fund में भी जो पैसे मिलते हैं वो भी सैलरी में आएगा। The aggregate of all sums is transferred to balance of employee in recognized provident fund to the extent chargeable to tax, ये भी हमारा सैलरी का पोर्शन है। The contribution made by central government in the previous year to the account of an employee under pension scheme referred to in section 80CCD is also, ये this point be ignored now क्योंकि ये हम लोग के
पार्ट में नहीं है, लेकिन ये भी सैलरी के पोर्शन में आता है। हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे दिस टॉपिक इज अगेन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू डील विद द एंटायर चैप्टर ऑफ सैलरी। जॉब हम लोग शुरू करते हैं, जॉब स्टार्ट, ठीक है, जॉब शुरू करते हैं यूजुअली हम लोग का जब पढ़ाई ख़त्म होता है उस टाइम पे, ठीक है, आफ्टर आवर एजुकेशन फिनिशेस देन वी स्टार्ट आवर जॉब। से एग्जांपल 25 इयर्स ऑफ एज, 25 साल की उम्र तक आपने पढ़ाई किया और उसके बाद यू स्टार्टेड डूइंग द जॉब एंड यू कंटिन्यू द जॉब टिल द एज ऑफ से 60 इयर्स, नॉट से एक्चुअली वी आर नॉट अलाउड टू वर्क लेटर देन 60 इयर्स। तो गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया है कि अगर आप 60 साल की उम्र के हैं तो फिर यू हैव टू गेट योर सेल्फ रिटायर्ड और दी गवर्नमेंट और दी कंपनी वेर यू आर वर्किंग दी एम्प्लॉयर विल रिटायर यू। रिटायर यू मतलब यू आर नॉट एनी मोर एलिजिबल टू कम टू ऑफिस टू वर्क फॉर द कंपनी। सो नाउ वंस यू रिटायर दी ऑर्गेनाइजेशन वेर यू आर वर्किंग विल गिव यू सम रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो आपका काम ख़त्म हो गया 60 साल की उम्र के बाद, लेकिन आप तो आगे भी जिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आपका एज तो हम लोग कोई भी हम लोग नहीं बता सकते कि आप कितने एज तक जिंदा रहेंगे, बट 60 इयर्स के बाद हम लोग एटलीस्ट 20-25 इयर्स या 30 इयर्स तक लोग रहते हैं, ठीक है। हो सकता है, आई एम नॉट जजिंग यहाँ पे कि कोई 65 साल की उम्र में भी चला जाता है, कोई 55 के उम्र में भी चला जाता है, लेकिन let us discuss this on in an optimistic manner ki agar koi 60 ke baad suppose 85 years tak wo zinda rehta hai, so the organization is bound to give that employee after retirement some benefits so that the retired employee can sustain his or her life. So yahan pe sabse pehla retirement benefit that we are going to discuss is gratuity, theek hai. We are going to discuss the first retirement benefit, which is gratuity. Now, what is gratuity? Gratuity is a lump sum payment. ये इकट्ठा एक lump sum payment है, एक ही बार ये पैसा मिलता है after getting retired from the organization. एक ही बार मिलेगा. क्यों मिलता है? Because the employee have given his time to the organization in the past. तो क्योंकि एम्प्लॉयर उसको अप्रिशिएट करता है कि यू हैव गिवन अस सो मच ऑफ टाइम, सो मच ऑफ एफर्ट, योर एंटायर लाइफ यू हैव गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो इन अप्रिसिएशन ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग यू अ लम सम अमाउंट आफ्टर यू आर रिटायरिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ देयर आर सिचुएशन व्हेन द एम्प्लॉय हिमसेल्फ कैन नॉट रिसीव द ग्रेच्युटी बिकॉज ही इज dead, he or she is dead. In that case, the legal heir of the employee will receive that amount. So when the legal heir of the employee, मतलब उसके जो relatives हैं, वो अगर वो पैसा receive करते हैं, तो that amount will not be taxable under the head salary, but under the head income from other sources. It is clearly mentioned here. इसका मतलब जब ग्रेच्युटी एक रिटायर करने वाला एम्प्लॉय रिसीव करता है अपने हाथों से, अपने उसके बैंक अकाउंट में अगर वो क्रेडिट होता है, इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा है साफ साफ, ग्रेच्युटी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, लेकिन ग्रेच्युटी जब रिसीव करता है उसके लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, in that case it is not taxable under the head salary but in the head other sources, theek hai, deceased employee shall be taxable under the head income from other sources. Gratuity bahut moti rakam milti hai, it depends on the post at which the employee who got retired was working in the organization.
अगर वो काफ़ी ऊंचे पोस्ट में है तो उसको अच्छा, बहुत अच्छा रकम मिलेगा। देखिए ये पोस्ट के हिसाब से है, इफ़ एन एम्प्लॉई हु गॉट रिटायर्ड वॉज वर्किंग एज मैनेजर एंड उसका सैलरी सपोज 50,000 रुपीज़ पर मंथ था, तो ही मे रिसीव से 20-25,000 रुपीज़ एज पर, नॉट 25,000, से 30 or 35 lakh और 40 lakh एज ग्रेचुटी। सो इट्स अ गुड सम ऑफ मनी विच विल हेल्प द एम्प्लॉई टू सस्टेन हिज लाइफ आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट। सो ग्रेचुटी, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेचुटी द एम्प्लॉयज आर कैटेगराइज इंटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकार में जो काम करते हैं जो एम्प्लॉयज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, सबको हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से ही कंसिडर करेंगे। या फिर एम्प्लॉयज जो सरकार में नहीं काम करते हैं, सरकार के अंदर में नहीं काम करते हैं, लेकिन दे आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर अंडर दे आर कवर्ड, ठीक है। ग्रेचुटी एक्ट एक एक्ट है विच टेल्स एंड डील्स विथ एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्रेचुटी पेमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। इसके अलावा आता है अदर एम्प्लॉयज़। अदर एम्प्लॉयज़ मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो दे आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, दैट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एम्प्लॉई अंडर ग्रेचुटी, ठीक है। सो ग्रेचुटी के हिसाब से देर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज। पहला हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा हो गया एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर किया हुआ है। एंड तीसरा आता है हमारे लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज हु आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, सो देर आर थ्री कैटेगरीज दैट वी कैन सी इन दिस ग्रेच्युटी, थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तीन अलग अलग कैटेगरी के हैं। मैंने क्यों बनाया ये तीन कैटेगरी अलग अलग, एक गवर्नमेंट, एक सरकारी नौकर को, एक सरकारी एम्प्लॉय को, वेन एवर ही इज़ रिसीविंग एनी ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। कुछ एक पैसा टैक्स टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। द एंटायर मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु वाज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, कुछ भी गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट हो, सेंट्रल हो, लोकल अथॉरिटी हो, ग्रेचुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉय इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, नथिंग इज टैक्सेबल, ठीक है, नथिंग इज टैक्सेबल। फॉर द सेकेंड कैटेगरी, पहले इसको अच्छा से समझते हैं, फिर आई विल राइट इट डाउन हियर इन द टेबल
पहले इसको अच्छा से समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। द सेकेंड कैटेगरी वॉज एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ठीक है, जो लोग कवर्ड हैं क्या होगा इसमें बोला गया है, इन सच अ केस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, एंड द थर्ड वन इज स्टैट्यूटरी लिमिट विच इज 20 lakh रुपीज फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेच्युटी। एक सेकेंड, हाँ तो मैं यहाँ पे एक बार अच्छा से इसे ड्रॉ करके समझाता हूँ या फिर लिख के समझाता हूँ। ये हमारा सेकेंड कैटेगरी है ना, मैं इसी के नीचे लिख के बताता हूँ, एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। जो भी पैसा एम्प्लॉय रिसीव करेगा, मैं इस तरह से बताता हूँ, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जो भी पैसा रिसीव हुआ उसको यहाँ लिखेंगे, इससे हम लोग लेस करेंगे, वी विल डिडक्ट लेस। क्या लेस करेंगे? एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट हमें कुछ एग्जेम्पशन देता है कि आप को जो भी ग्रेच्युटी का पूरा अमाउंट मिला उसे अगर हम लोग टैक्स करते हैं, यू हैव टू पे ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ टैक्स एंड दी एम्प्लॉई आफ्टर रिटायरमेंट विल बी लेफ्ट विद वेरी स्मॉल अमाउंट। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, टैक्स क्या होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में या फिर कोई भी गेम शो में, इफ़ एनीवन इज़ अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइज मनी, उसको 30-35% तो टैक्स दे देना पड़ता है। तो अगर कोई 1 crore जीता तो फिर दैट पर्सन इज लेफ्ट विथ ओनली 65 lakh रुपीज ऑफ प्राइज मनी। बट ये तो प्राइज मनी नहीं है, है ना, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ये प्राइज मनी नहीं है, ये सैलरी है। तो इसलिए इसमें कम से कम टैक्स लगना चाहिए बिकॉज ये हार्ड अर्नड मनी है, इट इज़ नॉट अ कैजुअल इनकम। सो इसीलिए गवर्नमेंट अलाउज द एम्प्लॉय सर्टेन एग्जेम्पशन, एंड हाउ डू वी सी दैट, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? सो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, वॉट एवर अमाउंट इज रिसीव्ड, वो हम लोग लिखेंगे। सपोज 20 lakh है तो ये टिक जहाँ पे मैंने किया है, तो इसे यहाँ पे आप 20 lakh रुपीज लिख लो। इसके बाद लिखना है लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) to the least of following, ठीक है, least of following। इसका मतलब क्या है कि नीचे में मैं तीन कैटेगरी लिखूंगा, तीनों में से जो सबसे छोटी फिगर होगी ना वो ये अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड से माइनस हो जाएगा और जो फिगर आएगा वो टैक्सेबल होगा। सो नंबर वन इज अमाउंट of gratuity actually received, ठीक है। नंबर टू, ये जो है ना ऊपर में, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ये 20 lakh है तो ये भी यहाँ पे ये 20 lakh होगा, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। अच्छा नेक्स्ट, लेट मी लीव वन लाइन सो दैट कि थोड़ा सा नीट लगे, आई डोंट हैव अ वेरी 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 नाइस हैंड राइटिंग, आई नो दैट। अच्छा सो नेक्स्ट है यहाँ पे 15/26 इंटू मल्टीप्लाई करना है लास्ट ड्रॉन सैलरी, फिर मल्टीप्लाई करना है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ
इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 15/26 का मतलब है, देखो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से खाली 26 दिन ही यूजुअली लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है, 4 तो संडे होते हैं, वीकली ऑफ जिसे हम लोग कहते हैं। सो ये वीकली ऑफ को आप छोड़ दो, मल्टीप्लाई करना है हाफ से, तो 15 डेज सैलरी फॉर द एंटायर मंथ। लास्ट ड्रॉन सैलरी, जिस दिन वो एम्प्लॉय रिटायर किया, जिसके बारे में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो लास्ट कितना सैलरी ड्रॉ किया था उसको आप मल्टीप्लाई करो 15/26 से। फिर मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सॉरी एग्जांपल 26 ईयर्स अगर कोई काम किया एंड से 7 मंथ्स अगर वो काम करता है, तो फिर उसे हम लोग 27 ईयर्स मानेंगे, ठीक है। अच्छा 26 ईयर्स एंड 3 मंथ्स अगर होता है तो उसे हम लोग 26 ईयर्स ही मानेंगे, मतलब 6 महीने के इस तरफ, मतलब 26, 6 महीने के उस तरफ मतलब 27, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, मतलब 27 या 26 है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, सपोज 15/26 लास्ट में उसने ड्रॉ किया था, सपोज 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपये उसने ड्रॉ किया था, तो इंटू 55,000 मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, सपोज 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट हमारा है, गवर्नमेंट हमें एक स्टैट्यूटरी लिमिट देता है कि ये आपका फाइनल लिमिट है, इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। सो द स्टैट्यूटरी लिमिट दैट वी हैव इज स्टैट्यूटरी लिमिट, इसका मतलब क्या है, जो एग्जेम्पशन है ना वो आपका 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 20 लाख का एक लिमिट दिया हुआ है। तो इन तीनों में से नंबर 1 में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड था, नंबर 2 में आपका 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, वो वाली अमाउंट, ठीक है, और लास्ट में है स्टैट्यूटरी लिमिट। तो इन तीनों में से विच एवर अमाउंट इज लीस्ट, जो सबसे लीस्ट अमाउंट है उसको आप बाहर लिखो, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखो बाहर, लीस्ट अमाउंट को आप बाहर लिखो, बाहर लिख के माइनस करो किससे, ऊपर में मैंने जो बताया था, जो ये वाली फिगर है, ये वाली जो फिगर है इससे माइनस करो, ठीक है। ठीक है, इससे माइनस करो, जो फिगर आएगा, जो फिगर आएगा दैट इज टैक्सेबल ग्रेच्युटी, इसमें टैक्स लगेगी, आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेच्युटी ओनली, ठीक है, मैं उसका भी लिंक भेज दूंगा, हाँ, तो या फिर वो यूट्यूब का जो चैनल है ना उसमें जाके ग्रेच्युटी अगर आप सर्च करो तो ही आपको मिलेगा, सो इट्स अ नाइस वीडियो, हाँ, उसको अभी अगर आप देखते हैं तो फिर यू विल गेट अ प्रॉपर नॉलेज किस तरह से करना है। वहाँ पर मैंने एक सम एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सम को अगर हम लोग अच्छा से देखें देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। सो यहाँ पे हमने पहला दो कैटेगरी डिस्कस कर लिया, द फर्स्ट वन वॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द सेकेंड वन वॉज एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। द थर्ड वन दैट वी हैव हियर इज एम्प्लॉयज हु आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है, जो कवर्ड नहीं है। तो इसको पहले वापस नोट्स से समझते हैं, बुक से समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस ये टेबल बना के समझेंगे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग जो सैलरी कैलकुलेट कर रहे थे,
है ना, यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है, सैलरी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेच्युटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, सैलरी मीन्स सैलरी ड्रॉन इन कैश एंड इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस कमीशन. कोई बोनस कमीशन को नहीं लेना है. हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस एंड एनी अदर अलाउंस, किसी को भी नहीं लेना है. ठीक है, इसका मतलब खाली बेसिक सैलरी को आप लीजिए और डियरनेस अलाउंस को आप कंसिडर करिए. ठीक है, और सैलरी में कोई भी दूसरा पोर्शन नहीं आएगा. ठीक है, सो बेसिक लेना है, बेसिक प्लस डीए. ठीक है, दैट्स इट, यही दोनों आएंगे सैलरी का मतलब जब हम लोग ग्रेच्युटी कैलकुलेट करेंगे. मैं बता दूंगा डीए का मतलब क्या है, मैं अभी बता देता हूँ. डीए का मतलब फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस को अगर हिंदी में हम लोग समझें, इट इज़ कॉल्ड महंगाई भत्ता. ठीक है, जैसे हम लोग अगर दिल्ली में रहते हैं, वी नो दैट बॉम्बे इज़ मोर एक्सपेंसिव देन दिल्ली. एंड अगेन, अगर किसी का बॉम्बे से सिंगापुर में अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है फॉर सम आउट स्टेशन जॉब, और आउटसोर्सिंग का कुछ काम था जो वहाँ पे जाके करना है, तो सिंगापुर इज़ मोर एक्सपेंसिव देन बॉम्बे. सो एनी वन हु वॉज़ रिसीविंग अ सैलरी इन से दिल्ली, वो उस सैलरी में बॉम्बे में उसे सर्वाइव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी. एंड द पर्सन हु वॉज़ रिसीविंग सैलरी इन मुंबई, उस सैलरी में वो सिंगापुर में जाके सर्वाइव करने में उसे डिफ़िकल्टी होगी. सो टू कवर अप दैट इन्फ्लेशनरी गैप बिटवीन डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट वर्क प्लेसेस, दी एम्प्लॉयर गिव्स यू डियरनेस अलाउंस. सो डियरनेस अलाउंस इज एन अमाउंट विच इज़ पेड बाई दी एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू कवर अप इन्फ्लेशनरी गैप बिटवीन डिफरेंट वर्क प्लेसेस. ठीक है, सो जब जब चीज़ों का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, आपका सैलरी इंक्रीज़ होता है, लेकिन आपका सैलरी बेसिकली बेसिक सैलरी कभी बढ़ नहीं सकता है टिल द टाइम यू आर नॉट प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल. जब तक आप नेक्स्ट लेवल में नहीं जाते हैं, योर बेसिक सैलरी कैन नॉट इंक्रीज, बट स्टिल यू नीड मोर मनी टू सर्वाइव इन द करेंट कंडीशन. सो इन दैट केस द एम्प्लॉयर गिव्स यू मोर मनी इन द नेम ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड सम अदर अलाउंसेस. लेकिन डियरनेस अलाउंस का मतलब है आपको खर्चा जो बढ़ता है उससे कवर अप करने के लिए अमाउंट. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड कैटेगरी विच वॉज अदर एम्प्लॉयज. अदर एम्प्लॉयज, सो एम्प्लॉयज हु आर नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. तो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो कैसे होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, यहाँ पर भी लीस्ट एग्जेम्प्ट जो है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में ही होगा. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, मतलब पिछले 10 महीने का सैलरी को आप टोटल करो और फिर उसको डिवाइड कर दो 2 से, मतलब आप एवरेज, सॉरी 2 से बोल रहा हूँ मैं, 10 से डिवाइड करना है उसको, वापस मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. कंप्लीटेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीटेड का मतलब क्या हो गया, मैं वापस बताऊँगा वहाँ पे. कंप्लीट का मतलब होता है जो साल आपने कंप्लीट किया है, और यहाँ पर भी स्टैट्यूटरी लिमिट इज 20 lakh rupees. सो इट इज़ सेम फॉर ऑल द केसेस, जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो सिमिलर है. चलो हम लोग यहाँ पे लिख के वापस ये थर्ड कैटेगरी करते हैं, समझते हैं. वापस मैं उसी तरह से लिखूंगा, एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड इससे हम लोग लेस करेंगे. एग्जेम्प्ट
अंडर सेक्शन 10 टू द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग. ठीक है, जो यहां पर भी तीन अलग अलग अमाउंट हम लोग लिखेंगे, तीनों में से जो सबसे छोटा होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट, और करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज टैक्सेबल. सो फर्स्ट अमाउंट हियर इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड. नेक्स्ट यहां पे है 1/2 इंटू लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. एंड थर्ड इज, अच्छा पहले मैं यहां पे सॉरी मैं यहाँ पे इसको तो और एक मल्टीप्लाई करना है, वो मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया. मल्टीप्लाई करना है इसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस. नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस. सो यहां पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई 26 इयर्स एंड 7 मंथ्स काम करता है तो उसे 26 ही पकड़ना है. अगर कोई 26 इयर्स एंड 3 मंथ्स काम करता है तो भी वो 26 ही कहलाएगा. अगर कोई 26 इयर्स एंड 11 मंथ्स भी काम करता है तो भी वो 26 इयर्स ही कंसिडर किया जाएगा. सो द एम्प्लॉई हियर इज कंसिडरिंग, द एम्प्लॉयर हियर इज कंसिडरिंग ओनली द नंबर ऑफ इयर्स विच वर एक्चुअली कंप्लीटेड. ठीक है, नाउ द लास्ट कैटेगरी हियर इज statutory limit, and the statutory limit is similar to last one, 20 lakh rupiya hi rahega yahan par bhi. Theek hai, in tino figure mein se jo sabse least amount hoga use aap bahar lo jaise maine pehle bataya tha, aur usko aap upar se minus karo, aur jo bhi aayega that is considering, उसे हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल ग्रेच्युटी कहेंगे. राइट, चलिए टैक्सेबल ग्रेच्युटी. ये इसे एक बार यहाँ पे टोटल में अगर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड. अच्छा यहाँ पे देखो इसे टोटल में दिखने में ये कैसा लग रहा है, ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया. दिस वन, तो पहला कैटेगरी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट विच इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय. द सेकेंड वन में हमें खाली याद जो है वो रखना है ये सेकेंड वाला पॉइंट. ठीक है, ये सेकेंड वाला पॉइंट दोनों के केस में, एक में 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है, और दूसरे में है आपका, दूसरे में है 1/2 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस. ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी सैलरी का मतलब क्या होता है, मैं सैलरी का मतलब देखो यहाँ पे नोट्स में है, मैं नोट्स में वापस जाता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो सैलरी का मतलब साफ साफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सैलरी एंड एवरेज सैलरी. फॉर दिस पर्पस सैलरी इंक्लूड्स डियरनेस अलावेंस ओनली इफ द पेमेंट सो प्रोवाइड्स.
but excludes all other allowances or perquisites. However, Supreme Court has held in the case of Gestetner Private Limited that commission, if received as a fixed percentage of turnover achieved by the employee, could form part of the salary. क्या कहा इसमें, क्या बोला गया? अगर हम लोग इसे समझते हैं ना, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, सैलरी का मतलब हो गया यहाँ पे बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर. मतलब जो सेल एम्प्लॉय ने किया अपनी कंपनी का, जितना भी सेल किया उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज होना चाहिए. कि सपोज 2% जो है वो फिक्स्ड है, आप जितना भी सेल करें आपको वो सेल का 2% आपके जेब में जाएगा एज अ कमीशन. और लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज सैलरी है उसका यहाँ पे साफ साफ ये एग्जाम ये मतलब है कि पिछले 10 महीने का आप सैलरी को टोटल करो. उस 10 महीने के बीच में अगर कहीं पर इंक्रीमेंट होता है तो उसे भी आप इंक्लूड करो, और करके फिर आप डिवाइड करो 10 से, तो वो एवरेज सैलरी आपको मिलेगा. यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक एग्जांपल मैंने दिया है. वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन रीडिंग दैट एग्जांपल, वी आर डायरेक्टली गोइंग इनटू द सम. एक सम यहाँ पे देखते हैं हम लोग. मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन जनवरी, ठीक है, 25th 2021, आफ्टर रेंडरिंग अ सर्विस ऑफ 38 years and 8 months. हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज ₹2,400 प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹800. Calculate the taxable amount of gratuity if he received 78,000 as gratuity, assuming that Mr. X is covered under the Payment of Gratuity Act 1972. ठीक है, so Mr. X here is covered under Payment of Gratuity Act 1972. So हम लोग जो calculation करेंगे यहाँ पर वो 15/26 वाला calculation करेंगे. ठीक है, 15/26 वाला कैलकुलेशन करेंगे. लेट अस सी, मैंने यहाँ पे कर रखा है कि नहीं, नहीं किया है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ. अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व कर रखा है ये सम, तो इसे अच्छा से हम लोग एक बार देखते हैं. सबसे पहले क्योंकि इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो लेट अस टेक दिस टू इमेजेस आउटसाइड. ठीक है, तो फिर इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व. ठीक है, अच्छा जी, सो ये हमारा ऊपर नीचे आ गया, दैट्स इट. चलो अब मैं इसे जूम करता हूँ एंड वी विल सी. चलिए, तो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा. सबसे पहले मिस्टर एक्स जो है, हमें करना क्या था, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड. पहला कितना पैसा रिसीव हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 78,000 रुपीज़. तो ये 78,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखना था. ठीक है, ये हम लोगों ने लिख डाला. इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो ये एग्जेम्प्शन हमें लिखना है कि क्या क्या कैटेगरी आएंगे, वो हमें पता है. 3 हैं अलग अलग, 1, 2 and 3. पहला वही है, पहला यही वाला अमाउंट आएगा आपका 78,000. दूसरा वाला जो है वो हमारा ये कैलकुलेशन है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है, सो द कैलकुलेशन हियर विल बी 15/26 इंटू, यहाँ पे हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी वॉज 2,400 प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ 800, तो दोनों को प्लस करना है. ठीक है, सो 15/26 मल्टीप्लाई करो 2400 प्लस 800, मतलब बेसिक प्लस डीए, इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स. तो यहाँ पे देखिए 38 years and 8 months है, सो ये 6 मंथ्स से ज़्यादा है. सो वी विल कंसीडर द नेक्स्ट, द कमिंग फॉलोइंग ईयर. 38 के बाद 39 आता है, तो 39 years हम लोग यहाँ लिखेंगे. एक बार मैं कैलकुलेटर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है, फिर भी एक बार कैलकुलेशन करने से दिमाग में अच्छा बैठता है. ठीक है, सो आर अमाउंट इज़ यहाँ पे 2400 प्लस 800 इज़ कमिंग एज 3200. इसको मैं
15/26 करूँगा, कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई करना है 39 से. सी आई एम गेटिंग 72,000 रुपीज़. सो 72,000 मेरा आ गया. एंड द लास्ट कैटेगरी वॉज, ये तीन नंबर होगा, लास्ट कैटेगरी वॉज नंबर थ्री इज 20 लाख रुपीज़ एज माई स्टैट्यूटरी लिमिट. सो 78, 72 और 20 लाख में से छोटा कौन सा है? सबसे छोटा फिगर है आपका 72,000, विच इज टू बी टेकन आउटसाइड एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड. एंड वी आर गेटिंग टैक्सेबल ग्रेच्युटी एज 6,000 रुपीज. ठीक है, तो ये 6,000 रुपया मेरा ग्रेच्युटी कैलकुलेट हो गया. नाउ व्हाट इफ, यहां पे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है, व्हाट इफ इन द सेम सिचुएशन मिस्टर एक्स इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तब क्या करते हैं हम लोग? लेट अस सी क्या करते हैं. हमारा खाली नंबर टू जो यहाँ पे कैटेगरी है वो कैलकुलेशन ही अलग होता, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता. तो एक बार करके देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव वो हम लोगों ने यहाँ पे कर ही रखा है 78,000. एंड देन लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग. नंबर वन वॉज एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच इज 78,000 इटसेल्फ, वापस आ जाएगा. नंबर टू इज 1/2 into average salary of last 10 months into number of completed years of service. So in this case 38 years and 8 months है ना, तो हम लोग 38 ही पकड़ेंगे completed years. ठीक है, now average salary, तो एक बार पीछे चलते हैं, एक बार question को देखते हैं. average salary calculate करना है ना हमें, तो यहाँ पर 2,408 दिया हुआ है उसका basic और dearness allowance. ठीक है, और बीच का कोई भी increment के बारे में नहीं बताया हुआ है पिछले 10 महीने का. So for us it is coming as 2,400 plus 800, that is 3,200. इसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से, वी आर गेटिंग 32,000. एंड फिर डिवाइड करो आप 10 से, वी आर गेटिंग 3,200. ठीक है, 3,200. तो यही कैलकुलेशन को हमें आगे बढ़ानी है. तो इसी कैलकुलेशन को अगर हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है. देखो यहाँ पे 1/2, 3,200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 38 क्या आता है, एक बार कैलकुलेट हम भी करके देखते हैं वेदर द कैलकुलेशन विच इज शोन हियर इज करेक्ट और नॉट. 3,200 एवरेज सैलरी है इसको, नहीं ये मंथली सैलरी है, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 महीने का सैलरी मिलेगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एवरेज सैलरी आ गया फॉर वन मंथ. इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से एंड देन अगेन मल्टीप्लाई करना है 38 से. सो वी आर गेटिंग 60,800. तो ये 60,800 यहाँ आ गया. एंड द लास्ट कैटेगरी वो स्टैट्यूटरी लिमिट, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट है विच इज़ mentioned in the income tax act as 20 lakh rupees. तो तीनों में से जो सबसे छोटा है that is 60,800 उसे हम लोग बाहर ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे एंड वी आर गेटिंग 17,200 एज आवर टैक्सेबल ग्रेच्युटी. ठीक है, 17,200 एज आवर टैक्सेबल ग्रेच्युटी.